नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आ गए हैं कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपकी घर किचन के काम होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आपको आज के टिप्स पसंद आते हैं तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना। देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टिप है यहाँ पर चावल को लेके। बरसात के मौसम में जब भी हम लोग चावल वगैरह इस तरीके से स्टोर करके रख देते हैं तो क्या होता है, इसमें बहुत जल्दी से घुन या कीड़े वगैरह पड़ने लगते हैं। तो जब भी आप बरसात के मौसम में ज़्यादा मात्रा में चावल रख रहे हों तो आप क्या करिए, ले लीजिए लाल मिर्च और इसके अंदर आपको लाल मिर्च को रख देना है। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 लाल मिर्च ले लेनी है और इसको आपको चावल के अंदर अच्छे से इस तरीके से ढक के रख देना है। इससे क्या होगा, जब आप ढक्कन बंद करके इसको रखेंगे तो जो मिर्च की झार है चावल में अच्छे से उड़ने लगेगी, जिससे कि चावल में कीड़े वगैरह झार की वजह से बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप दाल स्टोर कर रहे हों, किसी भी प्रकार की दाल, उसमें भी आप मिर्च को बीच में दबा के रख दीजिए तो दाल में भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो बरसात के मौसम में इस तरीके से आप दाल और चावल को कीड़ों से बचा सकते हैं। इसके बाद में इसके ढक्कन को आपको तेज़ी से बंद कर देना है, जिससे कि इसके अंदर सीलन वगैरह ना जाए। तो ऐसे आप दाल और चावल को कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं। अगली टिप है, जब भी डिब्बे का ढक्कन ढीला हो जाता है तो जो भी चीज़ हम इसमें भरते हैं सीलन की वजह से कुछ इस तरीके से हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने नमक भरा हुआ है, इसमें गांठे बन गई हैं क्योंकि इसका जो ढक्कन है बहुत ज़्यादा ढीला है, जिससे कि नमी वगैरह अंदर जाती रहती है। तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके का टेप। टेप को आपको ऐसे लगा देना है, आप चाहें तो पूरे में लगा दीजिए। अगर ढक्कन थोड़ा ढीला है तो आप थोड़ा थोड़ा करके 1 से 2 जगह टेप को लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधे में टेप को लगाया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टेप को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर दिया है। इसके बाद में जब आप ढक्कन को लगाएंगे तो जो ढक्कन आपका है बहुत ही अच्छे से बंद होने लगेगा, जल्दी से बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको आपको लगा के दिखाया हुआ है, ढक्कन कितने अच्छे से बंद हो गया है। इसके बाद में जब आप खोलेंगे, जो आपने इसमें टेप लगाया हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको 2 बार खोला हुआ है, टेप बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हिला है। तो इस तरीके से आप के भी अगर डिब्बे में ढक्कन ढीले हैं तो आप इस टिप्स को ट्राई करेंगे तो ढक्कन बहुत अच्छे से सेट होने लगेंगे। अगली टिप है, जब भी हम लोगों को छोटा प्याज तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करना होता है, जैसे कि प्याज का पेस्ट वगैरह बनाना है, तो क्या होता है, उंगली कटने का डर रहता है क्योंकि छोटा प्याज पकड़ते ठीक से नहीं बनता है। तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके से ये काटा वाली चम्मच और इसमें आपको चम्मच में प्याज को इस तरीके से फंसा लेना है। इसके बाद में आप कितना भी प्याज इससे ग्रेट करेंगे बिल्कुल भी आपकी उंगली वगैरह ख़राब भी नहीं होगी, साथ ही उंगली में कट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्याज है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे प्याज के पीस को ग्रेटर से बहुत ही आसानी से ग्रेट करके तैयार कर सकते हैं। आपके हाथ वगैरह भी नहीं कटेंगे और प्याज भी बहुत ही आसानी से पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लगभग आधा पीस आपको घिस के दिखाया हुआ है। अगली टिप है प्याज को लेके। बरसात के मौसम में जब भी हम लोग ज़्यादा प्याज ले आते हैं और कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो सीलन जाने की वजह से इसमें फंगल से जैसे आने लगते हैं इस तरीके से, और जब फंगल्स आने लगते हैं तो प्याज जल्दी से सड़ने लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्याज है इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर छिलका ख़राब होने लगा है और प्याज काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी होने लगी है क्योंकि मैंने इसको ठीक तरीके से नहीं रखा हुआ था, इस तरीके से ऐसे ही डलिया में भर के रख दिया था। तो आप जब भी प्याज ले आएँ तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरीके की कोई भी जाली वाली डलिया। इसके बाद में आपको ले लेना है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के आपको इस तरीके से 1 से 2 टुकड़े नीचे रख देने हैं। न्यूज़पेपर रखने के बाद में इसके ऊपर आपको प्याज को रख देना है। जब आप इस तरीके से प्याज को रखेंगे तो प्याज के अंदर जितनी भी सीलन होती है न्यूज़पेपर अपने अंदर बहुत ही अच्छे से सोख लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने न्यूज़पेपर को इस पर अच्छे से सेट कर दिया है। इसके बाद में आप इसमें प्याज को रख दीजिए। प्याज जो आपकी है जल्दी से बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी और ना ही जल्दी से ख़राब होगी। तो इस तरीके से आप गर्मी और बरसात के मौसम में प्याज को लंबे समय तक चला सकते हैं। प्याज आपकी जल्दी से
ख़राब भी नहीं होगी और ये प्याज आपकी लंबे समय तक फ्रेश रहने वाली है। तो अगर आपके यहाँ भी प्याज सड़ जाती है या ख़राब हो जाती है तो आप इस टिप्स को ट्राई करेंगे तो बरसात के मौसम में जो प्याज सड़ जाती है बिल्कुल भी नहीं सड़ेगी। अगली टिप है सुई में धागा डालने को लेके। जब भी हम लोग इस तरीके से सुई में धागा डालते हैं तो क्या होता है, धागा मुड़ जाता है और जब आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इस तरीके से धागा डालने में। तो अगर आप भी आँखों में कमज़ोर रोशनी है या धागा डालने में दिक्कत होती है तो आप क्या करिए, ले लीजिए धागा और लेना है आपको गुथा हुआ थोड़ा सा आटा, धागे के किनारे पे लगा देना है और इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगा तो जो धागा है काफ़ी अच्छे से सख्त हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। इसके बाद में जब आप सुई में धागा डालेंगे तो धागा बहुत ही आसानी से पड़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धागा है कितनी आसानी से पड़ गया है। तो ऐसे आप छोटी से छोटी सुई में आसान तरीके से धागा डाल सकते हैं। अगली टिप है बेल्ट को लेके। जब भी हम लोग इस तरीके से बेल्ट को सही से नहीं रखते तो ये घर में बहुत ज़्यादा फैली फैली लगती हैं, साथ ही ये जल्दी से ख़राब भी हो जाती हैं। तो अगर आप भी बेल्ट का कम इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं, इससे ख़राब भी नहीं होगी और कम जगह में आपकी बेल्ट भी आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, बेल्ट को इस तरीके से पहले मोड़ लेना है, इसके बाद में जो किनारे का हिस्सा है उसको ले जाके आपको पतला पतला इसको रोल की तरह आपको बना के तैयार कर लेना है। इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। इसके बाद में जो अंदर वाला मुड़ा हुआ हिस्सा है इसी के अंदर आपको इस तरीके से इसको सेट कर देना है। जब आप इस तरीके से सेट कर देंगे तो जो बेल्ट है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ऐसे आप कम जगह में सुरक्षित तरीके से बेल्ट को रख सकते हैं। ऐसे आप भी छोटे छोटे टिप्स को अपना के अपने घर और किचन के काम को आसान बना सकते हैं और अपने लिए समय को बचा सकते हैं। अगर आपको आज के टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगे हों तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।